नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का प्रिय चैनल महायोग टीवी में। अगर आज का वीडियो आप मन कर चलिए आप पूरा देख लेते हो तो आपको यह पता लग जाएगा कि 2024 में यानी 2024 में कि राधा अष्टमी के दिन कुछ ऐसी सहयोग है जिस दिन कुछ उपाय कर लिए जाएं तो मां के चलिए श्री कृष्ण की आप पर कृपा होगी, माता राधा रानी की आप पर कृपा होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आज की वीडियो बहुत ही खास है, आप जो आपने अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं पा पाए हैं वह आज की यह वीडियो देखने के बाद आप वह प्राप्त कर सकते हो माता बहनों पर उसके लिए। यानी कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वह सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय राधा रानी अवश्य ही लिख दे और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तुम मन कर चली, आपका भाग्य बदलना तय है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको राधा अष्टमी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि यह कितनी तारीख को मनाई जाएगी और इससे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके भाग्य से दुख तकलीफ समस्या सभी का भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी आपकी सभी कासन को जड़ से खत्म कर देनी, इसलिए आप महायोग की टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। चलिए बारी बारी से आपको सभी ज्ञानवर्धक बातें हम आपको बता देते हैं जो कि आपको कहीं और प्राप्त नहीं होने वाली है। चलिए जान लेते हैं राधा अष्टमी 2024 तिथि समय और त्योहार का महत्व। जिस तरह जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाती है उसी तरह राधा अष्टमी राधा रानी के जन्म और कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम का सम्मान करने के लिए मनाई जाती है। यह त्योहार हमें भक्ति की शक्ति और हमारे जीवन में प्रेम और करुणा के महत्व की याद दिलाता है। सनातन धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी राधा रानी के जन्म का उत्सव है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। यह त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। राधा अष्टमी 2024 की तिथि और समय वर्ष 2024 में राधा अष्टमी 11 सितंबर को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 से शुरू होकर 11 सितंबर को रात 11:46 से समाप्त होगी, इसलिए राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ समय जिसे मुहूर्त भी कहा जाता है सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक है। माना जाता है कि इस मुहूर्त में अनुष्ठान और पूजा करने से दोगुना आशीर्वाद और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित है, एक ऐसा बंधन जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राधा रानी, जिन्हें वृंदावन की रानी के रूप में भी जाना जाता है, दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं। उन्हें प्रेम करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और वे भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक प्रतिरूप हैं। यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, खास तौर पर राधा और कृष्ण के जीवन से जुड़े क्षेत्रों में जैसे वृंदावन, बरसाना और मथुरा। राधा रानी को समर्पित मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और उनके सम्मान में विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं। भक्त राधा रानी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए भजन भक्ति गीत गाते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं और कीर्तन भक्ति गायन में भाग लेते हैं। अनुष्ठान और अनुष्ठान राधा अष्टमी के दिन भक्त राधा रानी का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इस दिन विशेष प्रार्थना की जाती है और बड़ी श्रद्धा के साथ राधा रानी की पूजा की जाती है। अनुष्ठानों में आम तौर पर शामिल हैं अभिषेक, राधा रानी की मूर्ति को दूध दही शहद घी और पवित्र जल से स्नान कराया जाता है जो शुद्धिकरण और भक्ति का प्रतीक है, प्रसाद चढ़ाना। भक्तगण राधा रानी को प्रिय विभिन्न मिठाइयां फल और अन्य व्यंजन तैयार करके चढ़ाते हैं। बाद में इन प्रसादों को भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। भजन और कीर्तन गाना, राधा रानी की स्तुति में भक्ति गीत
और कीर्तन गाए जाते हैं, जिसमें कृष्ण के प्रति उनके दिव्य प्रेम और उनकी अद्वितीय भक्ति का वर्णन किया जाता है। धर्म ग्रंथों का वाचन, गीत गोविंदा और अन्य ग्रंथ जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का वर्णन करते हैं, उन्हें पढ़ा और सुनाया जाता है। मंदिरों और घरों को सजाना, राधा रानी की दिव्य सुंदरता का जश्न मनाने के लिए मंदिरों और घरों को फूलों, रोशनी और सजावट से सजाया जाता है। राधा अष्टमी व्रत के आध्यात्मिक लाभ माना जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से भक्तों को अपार आध्यात्मिक लाभ मिलता है। महायोग टीवी चैनल मात्र एक ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से माताएं बहनों आप सभी के लिए हम जानकारी श्री माध्यम से बताते हैं। इसलिए माताएं बहनों, आप इस वीडियो को, इस राधा रानी की वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर एक उसे माता बहन तक पहुंचाइए जिसकी इसी बहुत ही जरूरत है, जिसे आप अपने जीवन में खुश देखना चाहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से राधा रानी की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह त्योहार रिश्तों को मजबूत करने से भी जुड़ा है, खासकर पति पत्नी के बीच के बंधन को। भक्तों का मानना है कि जो लोग सच्चे मन से राधा अष्टमी का व्रत और अनुष्ठान करते हैं, उन्हें धन, दीर्घायु, सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको राधे रानी को पसंद करने के लिए जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। चलिए जान लेते हैं। माताएं बहनों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। प्रेम से पूजा करें, राधा अष्टमी के दिन प्रेम और श्रद्धा के साथ राधा जी की पूजा करें, उन्हें फूल फल और मिठाई चढ़ाएं और उनकी महिमा को जानें। पूजा करते समय प्रेम और श्रद्धा के साथ राधा जी को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। पूजा करने से पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। पूजा के समय राधा जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें और प्रेम से पूजा करें, व्रत रखें और जप करें। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखें और राधा जी के मंत्रों का जप करें, ओम राधाए नमः या राधे राधे का जप करें और राधा जी की कृपा प्राप्त करें। व्रत रखने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत रखने से पहले संकल्प लें और व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान केवल फलाहार करें और राधा जी के मंत्रों का जप करें, दान करें और पुण्य कमाएं। राधा अष्टमी के दिन दान करें और पुण्य कमाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें और राधा जी की कृपा प्राप्त करें। दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दान करने से पहले अपनी शक्ति के अनुसार दान करें और दान करने के बाद प्रसन्नता महसूस करें। दान करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों को खोजें और उन्हें दान करें, प्रेम और करुणा का विस्तार करें। राधा अष्टमी के दिन प्रेम और करुणा का विस्तार करें और सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया भाव रखें। राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेम और करुणा का विस्तार करें। प्रेम और करुणा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हम श्री माध्यम से महायोगी टीवी चैनल के माध्यम से भारत के नागरिकों के लिए, हर एक भारत के नागरिक के लिए यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो। महायोग टीवी चैनल का माध्यम यही है। एक तरह से मकसद है हमारा भारत में इस गुप्त जानकारी को आप सभी तक पहुंचाना। प्रेम और करुणा का विस्तार करने से पहले अपने मन को शुद्ध करें और प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीने का संकल्प लें। प्रेम और करुणा का विस्तार करने के लिए सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया भाव रखें और उनकी सेवा करें। राधा जी की मूर्ति की स्थापना करें और उनकी पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की मूर्ति की स्थापना करें और उनकी पूजा करें। मूर्ति की स्थापना करने से पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। मूर्ति की स्थापना करने के बाद राधा जी की पूजा करें और उन्हें फूल फल और मिठाई चढ़ाएं। राधा जी के मंत्रों का जप करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। राधा अष्टमी के दिन राधा जी के मंत्रों का जप करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। ओम राधाए नमः या राधे राधे का जप करें और राधा जी की कृपा प्राप्त करें। मंत्रों का जप करने से पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। मंत्रों का जप करने के दौरान राधा जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें और प्रेम से जप करें।
राधा जी की कथा सुने और उनकी महिमा को जाने। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की कथा सुने और उनकी महिमा को जाने। कथा सुनने से पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। कथा सुनने के दौरान राधा जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें और प्रेम से सुने। कथा सुनने के बाद राधा जी की पूजा करें और उन्हें फूल फल और मिठाई चढ़ाएं। राधा जी के चरणों में अर्पण करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। राधा अष्टमी के दिन राधा जी के चरणों में अर्पण करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अर्पण करने से पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। अर्पण करने के दौरान राधा जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें और प्रेम से अर्पण करें। अर्पण करने के बाद राधा जी की पूजा करें और उन्हें फूल फल और मिठाई चढ़ाएं। माताएं बहन ऑन कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें और महायोग टीवी चैनल के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। माताएं बहनों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय राधा रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। महायोग टीवी चैनल की तरफ से आपको अब हम बताने जा रहे हैं राधा रानी की संपूर्ण कथा, यानी कि राधा अष्टमी के दिन की संपूर्ण कथा हम आपको अब सुनने जा रहे हैं। इसलिए महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर एक माता बहन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थीं, उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गईं। माताएं बहनों, अगर आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए या फिर महायोग टीवी के तरफ से आप यह लिख सकते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाकर हमें प्रोवाइड कराया है, हमें बहुत ही खुशी होगी। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो इस शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे रखें व्रत और पूजा विधि, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। माताएं बहनें, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और आपका वेट बॉक्स में महायुद्ध टीवी चैनल जरूर लिखिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा लिखेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय भगवान श्री कृष्णा और जय माता राधा रानी की। धन्यवाद माताएं बहनों वीडियो को पूरा देखने के लिए।